इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ग्वालियर से ये बड़ी खबर, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में 36 सैंपल में से 16 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और एक बार फिर से डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 16 पॉजिटिव में 14 डेंगू पॉजिटिव ग्वालियर के हैं। डेंगू पॉजिटिव में 2 से 15 उम्र के 7 बच्चे इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार एक बार फिर से डेंगू का कहर लगातार जारी है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन लगातार बने हुए। चेतन, लगातार एक बार फिर से डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। बिल्कुल तरंगम, जिस तरह से देखिए ग्वालियर के दीनदयाल नगर, आनंद नगर, शताब्दीपुरम, गोविंदपुरी जैसे अन्य इलाके हैं और पिछले 6 साल से यहाँ पर इन इलाकों में डेंगू के मरीज हर बरस आते हैं, लेकिन इस बार फिर एक बार जिस तरह से बारिश हुई और शहर में गंदगी है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की फॉगिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिस कारण कहीं ना कहीं संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर जिले में 82 मरीज अब तक डेंगू के पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें 2 साल से 15 साल की उम्र के बीच 7 बच्चे शामिल हैं। प्रतिदिन लगातार ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में जो माइक्रोलॉजी लैब है, उसमें कल 36 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 16 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 16 सैंपल में से 14 सैंपल ग्वालियर के पॉजिटिव आए हैं। यानी कि ग्वालियर में डेंगू की दस्तक के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं आसपास के जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिवनी, दतिया, इन जिलों में भी कहीं ना कहीं डेंगू का दस्तक दे चुका है और दंत जिस तरह से कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या इन जिलों में भी बढ़ने लगी है। जी चेतन, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां कर रहा है डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों ही मिलकर यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। लोगों को फॉगिंग, जगह जगह जो कॉलोनियों में डेंगू के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं वहां पर फॉगिंग की जा रही है, लार्वा को नष्ट करवाया जा रहा है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि आखिरकार कई घरों में कूलर ऐसे भरे पड़े हैं जहां पर पानी है, लार्वा है, गंदगी जमी है, तो अपनी स्वच्छता, खान पीन का लोगों को भी खुद ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग जरूर कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही और यही कारण है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने के कारण इन इलाकों में 6 साल बाद भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और हर साल इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा अधिक डेंगू के मरीज पाए जाते हैं। जी चेतन, लगातार प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है और डेंगू प्रहार अभियान की आज शुरुआत की जाएगी, तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से डेंगू को लेकर जागरूक किया जाएगा? बिल्कुल, सरकार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां पर डेंगू उन्मूलन कार्यक्रम का आज वो भोपाल में शुभारंभ किया जाएगा। लोगों को भी अवेयरनेस कराने के लिए यहां पर स्वास्थ्य विभाग को एक कैंपेन चलाने की जरूरत है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सके, आसपास सफाई कैसे रखा सके, लार्वा है उसको नष्टीकरण कैसे करना, तो कहीं ना कहीं समझाइश की भी आवश्यकता है। जब समझाइश होगी तभी लोग समझ पाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे और यही कारण है कि डेंगू की इन इलाकों में संख्या बढ़ रही, क्योंकि इन इलाकों में गंदगी ज्यादा पाई जाती है, कूलर का जो पानी गंद का भरा हुआ है, लार्वा ज्यादा पाया जाता है, इसी कारण कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।